सब्सक्राइब कीजिए टेकबीज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज, आप देख रहे हैं टेकबीज चैनल। आज के स्टूडियो में आपको बताने जा रहा हूँ चेकबॉक्स के बारे में, जो फॉर्म टैग का एलिमेंट्स है। चेकबॉक्स होता क्या है और उसका यूज क्या होता है, हर एक चीज हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चेकबॉक्स का यूज मल्टी सिलेक्शन के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सेलेक्ट योर फेवरेट प्लेयर नेम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, सचिन, विराट, धोनी और रोहित। तो यहाँ पर यूजर क्या कर सकता है, यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। उसका फेवरेट प्लेयर सचिन भी हो सकता है, विराट भी हो सकता है, धोनी भी हो सकता है, रोहित भी हो सकता है। तो वो चारों ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसके पहले के ट्यूटोरियल्स हम लोगों ने देखा था रेडियो बटन के बारे में, जो रेडियो बटन के केस में क्या होता था, सिंगल सिलेक्शन अलाउ होता था, वहां पर दो में से एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना रहता था। बट यहाँ पर इस केस में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर हम लोग मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिफ्रेंशिएट है दोनों के बीच में, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले अपना नोटपैड ओपन कर लीजिए, विंडो आर का बटन दबाकर। उसके बाद यहाँ पे आप नोटपैड टाइप कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नोटपैड प्लस प्लस यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप नोटपैड भी ओपन कर सकते हैं, देन प्रेस ओके। उसके बाद आपका जो फिक्स बेसिक स्ट्रक्चर है आप टाइप कर लीजिए, HTML हेड टाइटल। टाइटल में हम लोग सीख रहे हैं टुडे, हम लोग क्या सीख रहे हैं, यूजिंग चेक बॉक्सेस। ठीक है, टाइटल क्लोज। उसके बाद हेड क्लोज, बॉडी, ठीक है। तो हम लोग क्या बना रहे हैं, चेकबॉक्स। तो चेकबॉक्स किसका एलिमेंट है, फॉर्म टैग का, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म ओपन, फॉर्म क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज, ठीक है। तो ये मेरा जो फिक्स बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैंने टाइप कर लिया। अभी आपको यहाँ पे आउटपुट में दिख रहा है फर्स्ट चेकबॉक्स है, ठीक है। तो चेकबॉक्स में चेकबॉक्स बनाने के लिए आपको यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, सॉरी इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेकबॉक्स, क्योंकि आप चेकबॉक्स बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद चेकबॉक्स बनने के बाद उसके बगल में लिखा हुआ है सचिन, ठीक है। तो वो टेक्स्ट है, तो एज इट इज मैं ऐसे ही लिख दूंगा। उसके बाद क्या हो रहा है, सचिन कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में वो जा रहा है जो विराट लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए आपको बी आर टैग यूज करना पड़ेगा। अगेन चेकबॉक्स बन रहा है, तो मतलब मुझे यही लाइन कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। देन उसके बगल में लिखा हुआ है विराट, ठीक है। इतना होने के बाद फिर अगेन ब्रेक हो रहा है, वो नेक्स्ट लाइन में जा रहा है। देन विराट के बाद वो धोनी दिख रहा है, ठीक है। तो वहां पर फिर से अगेन चेकबॉक्स यूज हुआ है, तो यहाँ पे फिर से मैं चेकबॉक्स बनाऊंगा। देन धोनी, फिर से वो नेक्स्ट लाइन में जा रहा है, और लास्ट में है चेकबॉक्स रोहित। तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेकबॉक्स अगेन एंड रोहित। ठीक है, तो इसको हम लोग सेव करेंगे, फाइल सेव एज डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है HTML ट्यूटोरियल्स करके, इसको ओपन करने के बाद ही मुझे सेव करना है। उसके बाद जो मैंने फाइल यहाँ पे बनाया है उस फाइल का एक नेम दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी आप नाम दे सकते हैं,
बॉक्स डॉट एच टी एम एल डालना कंपल्सरी, क्योंकि इससे एच टी एम एल फाइल क्रिएट होता है। देन सेव, सेव करने के बाद उस फोल्डर में हम लोग जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है एच टी एम एल फाइल बन गया है, उसको राइट क्लिक करके ओपन विथ गूगल क्रोम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेकबॉक्स सचिन, इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेकबॉक्स विराट, इससे विराट यहाँ पे चेकबॉक्स विराट हुआ बन गया है। उसके बाद इनपुट टाइप इक्वल्स चेकबॉक्स धोनी और इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेकबॉक्स रोहित, ठीक है, जिसके थ्रू ये मेरा आउटपुट आ रहा है। क्लियर? तो इस तरह से आप चेकबॉक्स का यूज करके यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो रेडियो बटन में नहीं होता था। ठीक है, रेडियो बटन में सिंगल सिलेक्शन अलाउ करता था, और यहाँ पर मल्टीपल सिलेक्शन, मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, इसमें क्या होता है कि चेकबॉक्स में एक एट्रीब्यूट होता है जिसमें आप बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा चेक करके। ठीक है, चेक एट्रीब्यूट के थ्रू आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये चेक करके आप चेकबॉक्स में डालते हैं, उसको सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पहले से ही, मतलब जब पेज लोड हो रहा है, लोड होने के बाद जब वो ओपन हो रहा है, ठीक है, तो ओपन होने के बाद वो आपको यहाँ पे दिख रहा है बाय डिफॉल्ट चेकबॉक्स जो है वो सिलेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरह से आप चेकबॉक्स का यूज करके मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।